हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरटी ब्रांच। सो गाइज, आरटीआई वालों के लिए देखिए यहाँ पे फिर से एक न्यू वैकेंसी आउट किया गया है जो कि अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है, यहाँ से जो है वैकेंसी निकाला गया है। जितने भी आरटीआई पास कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक देखिए भारत सरकार का उद्गम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, जिसका कि देखिए ये फॉर्म, इसका हम लोग पूरे डिटेल्स में देख लेंगे कि कैसे कैसे भरना है, और इसका पूरा इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा फॉर्म भरने का प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको ऑफलाइन भी भरना होगा, कुछ और आपको ऑनलाइन भी भरना होगा। इसलिए आप लोग वीडियो में जरूर अंत तक भरने बने रहिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो फिर ये गवर्नमेंट और कंसर्न ज़रा सा भी सहन नहीं करती है, सीधे फॉर्म रिजेक्ट ही कर देती है। देखिए यहाँ पे पहली बात तो अंतिम डेट जो है इसका 30 मार्च तक है, बट ये 30 मार्च तक जो है आवेदन प्राप्त होने का है। यहाँ 30 से पहले ही आपको सारे काम करने पड़ेंगे, लगभग एक सप्ताह पहले आपको सारे चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑफलाइन भी जो है अपना डॉक्यूमेंट्स भेजना है, जिसमें कि सप्ताह भर आपको टाइम लेकर के चलना पड़ेगा। चलिए यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं इसका फुल डिटेल, बट उसके पहले देखिए गाइस यहाँ पे चैनल बहुत सारी अपडेट्स भी आई हुई है। जैसे कि अगर आप पास आउट हुए हैं अभी तो आप जो है, या फिर जो है पहले भी पास आउट हैं, तो आप यहाँ पे BHEL के जो वैकेंसी आई हुई है झांसी से, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट भी देखिए DIDO का अगर आपने भरा था तो मेरिट लिस्ट भी आ रही है, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट आ गई है, पहला तो आई ही थी। फिर ICAR का देखिए यहाँ पे जो आपका 11 मार्च को इंटरव्यू होने वाला है ITI कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे और सब भी अदर अपडेट्स हैं। सारी अपडेट्स आप लोगों को चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है विथ मेरिट लिस्ट एंड जो है DV वगैरह सारा चीज़ आप लोगों को बताते हैं, ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट तक बताते हैं। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सारे अपडेट्स आप लोगों को ताकि मिलता रहे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये आपको पता चली गया होगा, ये जो आपका क्या है परमाणु ऊर्जा विकास विभाग की तरफ से निकाला गया है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ की जो है विद्युत उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए टोटल संख्याएं जो है 50 यहाँ पर टोटल पोस्ट है, और ये छोटा फिगर दिख रहा है बट बहुत अच्छा फिगर एक तरह से कहा जाए, क्योंकि अभी तो अप्रेंटिस आपको करना है तो इस तरह से वैकेंसियाँ आ रही हैं, और कर लेने से अच्छा है क्योंकि भविष्य में जो अपॉर्चुनिटीज आती है तो यहाँ पर जो करते हैं उनको जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेफरेंस मिलता है, 5% 10% इस तरह का, जो अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस पूरा जो है 1961 एक्ट के तहत जो है इसको फॉलो किया जाएगा, जहाँ कि आपको जो स्टाइपेंड वैल्यू है जो कि लगभग 7,000-8,000 के अप्रॉक्स मिलने वाला है। देखिए ट्रेड की बात करें तो फिटर ट्रेड के लिए 10 सीट्स है, यहाँ पे मैसेनिस्ट का 1 सीट है, वेल्डर का देखिए 2 सीट है, फिर यहाँ पे मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट फिटर के लिए देखिए यहाँ पे कितना है 10 है, उसी तरह से यहाँ पे कोपा के लिए 2 सीट है, फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 11 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए 10 सीट है, उसी तरह से यहाँ पे RAC वाले जो हैं उनके लिए 2 सीट है, और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैकेनिकल के लिए 2 सीट है। टोटल 50 सीट यहाँ पे हो जाता है, और जो आरक्षण जो कैटेगरी है वो सभी आप लोग को मिलने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 10th चाहिए इसके लिए, और साथ ही साथ ITI पास सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो जो भी ट्रेड से रिलेटेड है वो उसका आपको ITC सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब NTC सर्टिफिकेट जो कहते हैं, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, और मार्कशीट वगैरह से तो होना ही चाहिए, साथ में 10th आपका होना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इन चीज़ों को आप समझ गए, अब क्या करना है आप लोग को, तो यहाँ समझ लीजिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी कुछ यहाँ रखे गए हैं, जहाँ की हाइट आपका जो है इतना होना चाहिए 137 सेंटीमीटर, और वजन देखिए कितना रखा गया, ये रखा गया, तो इसमें तो मुझे लगता है कि कुछ किन्हीं को प्रॉब्लम हो सकता है, तो चलिए यहाँ पे इन बातों को अब आगे बात कर ले। तो 1 साल का यहाँ ट्रेनिंग होने वाला है, देखिए यहाँ पे 7,000 आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, 7,000 आपको मिलेगा मंथली स्टाइपेंड। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो प्योरली जो है मेरिट बेसिस पे होने वाला, मतलब मार्क्स बेसिस पे होने वाला है, जो कि ITI के बेसिस पे होगा, यहाँ पे जो है 10th का इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जितना आपने ITI में लाया है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, तो apprenticeship.gov.in पे पंजीकरण करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है किए भी होंगे, और जो बच्चे नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो आपको बिना ये पोर्टल आप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना होगा। और इस कैसे करते हैं फुल प्रोसेस 16-17 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कैसे अप्रेंटिसशिप पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करें उसका पूरा डिटेल वीडियो है, पूरा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और अपना भी कर लीजिएगा। ठीक है, बिना इसके आप जो है फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, भरने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग अब इस पे समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वेबसाइट हम लोग खोल लेंगे। ठीक है, apprenticeshipindia.gov.in। ठीक है, ये खोलने के बाद अगर आप न्यू हैं तो आपको रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, और बाकी का जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसको फॉलो करके आप रजिस्टर हो जाइएगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया रखा है, इसलिए लॉगिन करेंगे हम, और लॉगिन करेंगे चेकमार्क करेंगे जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद जो है डैशबोर्ड खुल जाएगा,
ओके और डैशबोर्ड खुलने के बाद जो है हमको ये वाला इस्टेब्लिशमेंट सर्च करना है। देखिए यहाँ इस्टेब्लिशमेंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, E10203 फिर 4 0 और 3 है, इसको हम लोग को क्या करना होगा, सिंपली सर्च करना होगा। तो ये लॉगिन हो जाने के बाद मैं दिखाता हूँ आप लोग को, लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। ऊपर में हम लोग अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे। देखिए गाइज आपको ये टर्म जो है ना इसको सर्च करना है, E10203 4 0 उसके बाद 3, ये यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। उसके बाद जैसे सर्च कीजिएगा ये आ जाएगा, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम। अब इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट आ गया और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। वेल गाइज तो यहाँ पे थोड़ा मेरा सर्वर थोड़ा स्लो है, इस वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कुछ नहीं दिख रहा है, बट आपको जो है इसी तरह से अपने फ़ोन में भी आप कर सकते हैं। भारतीय नाभिकीय जो विद्युत निगम लिमिटेड जो है विवहनी, ये वाला आप इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ सर्च जैसे कीजिएगा ये आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका जो है अपॉर्चुनिटीज़ में आया हुआ रहेगा। जो भी आपका ट्रेड है, ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका जो है नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, जो भी आपका ट्रेड है वहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बगल में रहेगा अप्लाई नाउ, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ हो जाएगा अप्लाई, बस उतना ही आपको यहाँ पे करना है और कुछ इस बात करना नहीं है। देखिए उसके आगे ये तो आपका ऑनलाइन वाला काम हो गया। अब ऑनलाइन काम करने के बाद देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो है ये एनेक्सर वन फॉर्म भरना है। एनेक्सर वन फॉर्म जो है आप लोग को इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का, ठीक है। वहाँ आप लोग जुड़ जाइएगा और आपको जो है फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ यही आपका फॉर्म है, ठीक है, एनेक्सर वन। तो इसका चाहें तो आप प्रिंट करा सकते हैं और या फिर इसको टाइप भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए अपना जो है फ़ोटो चिपकाना है और अपने से इसको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। यहाँ पे आपको ट्रेड का नाम लिख देना है, इलेक्ट्रिसियन फीटर जो भी है, यहाँ पे आपको नाम अपना लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर जो है वो वाला NAPS पोर्टल वाला है, आपके आपको इनरोलमेंट आईडी लिखना है, ठीक है। कौन सा मैं कह रहा हूँ समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, कॉर्नर पर, तो यहाँ पर आपको A01221130 इस तरह से 9 करके आपको दिखाएगा, ठीक है। वही वाले पार्ट को आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको फादर्स नेम, यहाँ पर मेल फीमेल ये तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, ओबीसी नन, फिर एसटीएससी, यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए, यस नो, यदि ईडब्ल्यूएस में है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पे आपको अपना घर का पता देना है जहाँ कि आपका चिट्ठी जाएगा, ठीक है। ये परमानेंट एड्रेस आपका गाँव का एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पे मैरिड स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड में आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर दे दीजिएगा जो आप NAPS पोर्टल में दिए हुए रहेंगे, ईमेल आईडी भी दीजिएगा वही जो आप NAPS पोर्टल में दिए होंगे, और यहाँ पे आधार कार्ड आपको डाल देना है, ठीक है, आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। यदि फिजिकली चैलेंज है यस तो यस, नहीं तो नो टिक कर देना है आपको। डिसेबिलिटी में परसेंटेज यदि यस है, ठीक है, यदि एज यस करते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे परसेंटेज देना होगा कितना डिसेबल है। फिर यहाँ पे हाइट आपको अपने लिख देना है सेंटीमीटर में, ठीक है, हाइट, यहाँ पे केजी आपका वजन बता देना है। क्वालिफिकेशन में आपको देखिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन पास में यहाँ पे 10th का दीजिएगा, यहाँ पे ITI का दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का नाम दे देना है, यहाँ भी आपको दे देना है, कौन सा ईयर में पास किए यहाँ दोनों का भर दीजिए, कौन कौन सा ट्रेड था ITI का, ठीक है, ITI का यहाँ पे ट्रेड बोला गया तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ITI मार्क्स ऑप्टेंड यहाँ दे देना है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड तो आप नहीं दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन बोला गया है, तो ये 10th आपका 1 साल का होता है, ये होता है 2 साल का हो गया। यहाँ पे डिवीज़न कौन सा आपने लाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीज़न था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अंडरटेकिंग आर यू कॉन्ट्रैक्ट, ये सब सेंट्रल से हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है, तो यहाँ पे नो कर देना है। उसी तरह से बाकी यहाँ पे देखिए क्या है, डिटेल्स ऑफ रिलेटिव, यदि कोई आपके रिलेटिव काम कर रहे हैं तो यहाँ उनका डिटेल्स देना, यहाँ पर अगर हैं तो दे दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तो ये वाला पार्ट को भी आप छोड़ सकते हैं रेफरेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हैव यू अटेंड, क्या पहले आपने ये एग्जामिनेशन इसका दिया है, ठीक है, यदि दिया है तो फिर यस, नहीं तो नो कर दीजिए। और कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं अपने तरफ से, कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप एडिशनल अपना इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ डेट दीजिएगा, प्लेस जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो चीज़, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा जो है फॉर्म भरने का तरीका, जैसे आपको फॉर्म भरना है। जब आप इस फॉर्म को भेजने लगिएगा तो उस टाइम में आपको क्या करना होगा, इसे भी चेक मार्क करना है आपको कि ये सारे सर्टिफिकेट आपने जो है अटैच करके दिए हैं कि नहीं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ITC सर्टिफिकेट लगाना है, फिर 10th और जो है आपका
टेंथ या ट्वेल्थ जो भी है आपका, ठीक है। तो टेंथ का बेसिकली आपने अंक प्रमाण पत्र मतलब कि मार्कशीट डाला है या नहीं, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। आईटीआई का सर्टिफिकेट डाला है या नहीं, तो यस कर दीजिए। आईटीआई का मार्कशीट डाला है या नहीं, यस कर दीजिए। अगर नहीं डाल रहे हैं तो फिर नो करना होगा, बट बिना डाले तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए कोड ऑफ कंडक्ट सर्टिफिकेट, जो कि दो गजेटेड ऑफिसर के साथ ये आपको करना होगा, यस और नो। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, हमें फॉर्मेट आप लोग को मिल जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको बनवाना है, ठीक है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको गजेटेड ऑफिसर्स बनाना होगा, दो गजेटेड ऑफिसर्स बनाना है। देखिए दो ठो यहाँ फॉर्मेट भी है, इसको प्रिंट करा करके आपको जाना होगा बनाने के लिए, मतलब कोई गजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, जो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनसे बनवाना है आपको। उसके बाद दो उठों से बनवा करके इसको भी अटैच करके देना होगा, और फिर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये देखो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, इसको भी आपको क्या करना है, पुलिस में जा करके बनवाना होगा, पुलिस स्टेशन में जाके बनवाना होगा। और यहाँ पे वो सभी अपना जो है अपना वो लोग कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी देना है, उसके बाद फिर करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको दो ठो गजेटेड ऑफिसर से बनवा के देना है, साथ में जितने भी आपके मार्कशीट हैं, ठीक है, सभी को आपको अटैच करना है साथ में। देख लीजिए यहाँ पे आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट भी दे देना है साथ में, गजेटेड का तो मैंने आपको बता दिया, फिर पीडब्ल्यूडी अगर बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना है, नहीं तो नहीं देना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस बिलोंग करते हो तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे यदि जो है देखिए ट्रांसजेंडर्स के लिए है वो अपना भर देंगे, आधार कार्ड देना है। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दो आपको देना है, सभी में चेक मार्क यस यस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ आपका नहीं है, जैसे ये ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ, तो यहाँ पे इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, यस नो में कुछ भी टिक आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी आपको प्लेस में भर देना है, डेट दे देना है, यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी हैं ड्यूली सेल्फ अटेस्ट, जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आप 11 सर्टिफिकेट जितना लगा रहे हैं, एक छोड़ देते हैं ट्रांसजेंडर वाला या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर छोड़ करके, जो भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे एलिजिबल है जिसके लिए हैं आप, ठीक है। तो सारे सर्टिफिकेट में सेल्फ अटेस्टेड जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये तो आपको आपका एडुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह सब ये सब तो ये करना ही है आपको, साथ ही साथ आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस स्टेशन सर्टिफिकेट, ये सब भी आपको साथ में अटैच कर देना है। अब देखिए भेजना कहाँ है, ठीक है। तो आइए हम लोग ऊपर चलते हैं और उस इस पे जो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ भेजना है, ठीक है। तो जैसा कि गाइज यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग को कहाँ भेजना, देखिए ड्यूली है ना, द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फ्रॉम एफिक्सिंग योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। इस पे आपको भेजना है, इस पते पे भेजना है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए रिजोल्यूशन बढ़ा करके, ठीक है। इस पते पे आपको भेजना है और 30 तारीख तक आपका जो है फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना काम आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। 30 तारीख के बाद कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए आपने, ओके ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक ही एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, एक साल का ट्रेनिंग होने वाला है और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सभी आपको दे देने होंगे, ठीक है। इनवेलप में भर करके एड्रेस दे दीजिएगा, टू में ये डाल दीजिएगा, ठीक है, टू में ये देना है आपको, और फ्रॉम में आप अपना पता दे दीजिएगा। तो गाइज ये पूरा लंबा चौड़ा यहाँ प्रोसेस है, प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, प्लस आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। और ये एलिजिबिलिटी के लिए इतनी कम सीट के लिए, खैर फिर भी अटैम्प्ट आपको लेना चाहिए, आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो गाइज सारी जानकारियाँ आप लोग को मिल गई हैं, तो होप गाइस कि आपको ये जानकारी पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो बिल्कुल स्किप किए जरूर देख लीजिएगा, सारा कुछ मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। तो गाइस चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरह के कुछ न्यू अपडेट्स में, कुछ न्यू जानकारी के लिए। और इसमें मेरिट वगैरह आता है तो आप लोग को मैं बताऊँगा, डीवी कब होता है सब कुछ बताऊँगा, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए आप लोग का वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।